मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज होना चालू हो जाएगा। जो बच्चे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये खास करके इम्पोर्टेंट होगा, उनको भी ये बेसिक्स फॉर्मूले और उनको ये किस तरह से फॉर्मूले याद रखना है ये सब चीज है कि जानकारी हो पाएगी। तो यहाँ बायोलॉजी वाले बच्चे भी देख सकते हैं और मैथ्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इवन आप कॉमर्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इसमें कॉमर्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ये सबके लिए वीडियो है। डिफरेंशिएशन देखो फिजिक्स में हर जगह यूज होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स के बिना हम फिजिक्स को नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है पूरा पूरा कैलकुलस है। कैलकुलस का पता किसने लगाया था? न्यूटन ने पता लगाया था। क्यों पता लगाया था? क्योंकि उसको जब वो ग्रेविटी का पता कर रहा था तो उसको क्या हो गया कि देखा कि ग्रेविटी जगह जगह वेरी कर रहा है, अर्थ पे उसका अलग वैल्यू आ रहा है, दूसरे जगह पे अलग वैल्यू आता है, धरती के नीचे अलग वैल्यू आता है, तो वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब चेंजेबल, तुरंत तुरंत बदलता रहे। जैसे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये साइज करेंगे तो फिक्स है कि ये टू है, ये थ्री है, लेंथ ब्रेथ बराबर है, लेकिन यही साइज टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कर्व बन जाएगा, तो कर्व को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह की चीजों को पता करने के लिए न्यूटन ने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, और बाद में इसी का उल्टा कर दिया तो वो हो गया इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, तो बेसिक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फॉर फिजिक्स। देखो बच्चों सबसे पहले देखो याद करने का तरीका क्या, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, इसमें किसी को दिमाग लगाना नहीं। साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, चाहे इंटीग्रेशन रहे चाहे डिफरेंशिएशन रहे, इसमें दिमाग लगाना नहीं है डिफरेंशिएशन में। और जिसके स्पेलिंग में सी हो उसके रिजल्ट में माइनस होगा, उसके रिजल्ट में माइनस होगा। दो बातें याद हो गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो साइन है मतलब डी डी एक्स साइन एक्स, क्या बोलोगे कॉस एक्स, थोड़ा को लगा दो कोसेक स्क्वायर एक्स, दोनों साथ साथ याद करने का ट्रिक जो साथ साथ याद हो सकता है। sec x का तो यही लिख करके tan x लिख देना है, देखो sec tan आता है ना, ये आता है इसीलिए sec, यही लिख करके tan लिख देना है, यही लिख करके cot लिख देना है, और स्पेलिंग में सी है तो माइनस, तो क्या हो गया फॉर्मूला, दो साइन का कॉस, कॉस का सी स्पेलिंग है तो माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेक में यही लिख करके तो टेन किसके साथ आता है, सेक के साथ, ध्यान दो तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस एक्स कॉट एक्स। लॉग में क्या करना है, जी स्पेलिंग के बाद, जी स्पेलिंग के बाद जो भी लिखा है लॉग में वो नीचे लिख देना बस, जैसे वन बाई टू एक्स होगा, जी स्पेलिंग के बाद जो भी लिखा है उसको नीचे लिख देना, लॉग का डिफरेंशियल हो जाएगा। e पावर एस का इंटीग्रेशन करो, e पावर एस डिफरेंशिएशन करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट बन जाएगा, वही का वही निकल जाता है, चाहे इंटीग्रेशन रहे चाहे डिफरेंशिएशन रहे, e पावर एस का e पावर एक्स ही रहता है। वन बाय एक्स का क्या होगा, माइनस लगा करके नीचे स्क्वायर कर देना वन बाय एक्स का, और ये फिजिक्स बहुत काम आता है। एक्स पावर एन मतलब क्या होगा, वो जो पावर रहे जो भी पावर रहे वो नीचे लिख देना और एक पावर यहाँ कम कर देना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लो कि डी डी एक्स, एक्स पावर में टेन रहे आंसर, डी डी एक्स x पावर में 10, तो क्या लिखोगे इसका आंसर, आपको पता चल गया होगा कि 10 x पावर में 9 ऐसे लिखना है, ये कम कर देना है पावर, कोई भी नंबर है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में कोई भी नंबर, कोई कांस्टेंट रहे, कोई नंबर मतलब कोई भी कांस्टेंट, पाई, पाई भी कांस्टेंट है, तो उसका आंसर 0, इसमें 1 क्या है नंबर है 0, 2x होगा 2, 3x को 3, 4x को 4, 5x को 5, तो kx का k, रूट अंडर x रहेगा तो यही लिख देगा नीचे और साथ में 2 लगा देना। अब ये है प्रोडक्ट रूल, यू वी का डैश इसके बारे में डिस्कस करूंगा, मैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, इसको कोसाइन रूल बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अब रह गई बात ये क्या है, अर्थ है, अब मैंने बोला था न्यूटन की बात, अब अर्थ न्यूटन थोड़ी है पूरे दुनिया में घूम घूम करके निकालता, तो उसने क्या किया, मान लो पूरा अर्थ का रेडियस आर है, तो छोटा सा एक पार्टिकल मान लिया कि इसका रेडियस डी आर का मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है, जैसे यहाँ पर डी एक्स लिखे हो, इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको, साइन एक्स को, इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएट कर रहे हैं कॉस एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स में, तो ये वेरिएबल है ये, और ये वेरिएबल है,
ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, टिक 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 बदल रहा है, तो जो बदल रहा है टाइम के साथ होगा डीटी होगा, टाइम के साथ होगा डीटी होगा, एक्स के साथ डी एक्स होगा, वाई के साथ डी वाई होगा। यहाँ से देखो चेंज हो रहा है यानी क्या है, कॉस एक्स बदल रहा है किस पे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको डी एक्स लिख लिया, छोटा सा पार्टिकल डी एक्स, तो अर्थ है तो उसका छोटा सा पार्टिकल क्या होगा, डी आर होगा, स्पेयर है और उसके ऊपर मतलब चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो छोटा सा पार्टिकल सब पे तो सब जगह चेकिंग नहीं कर सकते, हम उसको छोटा सा पार्टिकल लेकर के उसके अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं। ये हो गया, जैसे मान लो कि गांव में क्या होता है कि मान लो कि चावल चढ़ा देती है, मान लो बर्तन में चावल चढ़ा देती है, तो जब चावल हो जाता है ऐसा नहीं कि चावल निकालने का चेक करती है, वो क्या करती है बर्तन से एक चावल का दाना से दबा कर देखती है, वो देखती है हाँ ये चावल हो गया है तो सारे हो गए होंगे, तो जो एक दाना चावल निकाल के चेक किया ना वही चावल तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक दाना जो था वही डी आर हो गया, ये फुल ऑफ बॉल है, पूरा चावल से भरा हुआ है, लेकिन सबको तो चेक नहीं करेगी, तो एक को चेक कर लिया तो ये मान लिया कि सब हो गया होगा, तो ये हो गया डी आर, वही होता है डी आर, छोटा सा पार्टिकल। पेप्सी है, पेप्सी का बोतल है भरा हुआ है, उसमें एक बूंद निकालोगे तो वो पेप्सी का एक बूंद जो है वो डी डी आर हो जाएगा या डी एक्स हो जाएगा, जो मैंने लिख दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। काम क्या आता है इसमें, फिजिक्स के फिजिक्स में क्या काम आएगा, सपोज कर डिस्प्लेसमेंट है, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी बन जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन बन जाएगा, इसलिए डी एस बाय डी टी, डिस्प्लेसमेंट क्या बदल गया वेलोसिटी में, इसको बोलते हैं एक बार डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, अब उसी को जो रिजल्ट आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको क्या लिखेंगे डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी ए, वेलोसिटी मतलब वी, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, वेलोसिटी का मतलब क्या होगा तुम्हारा वी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, और यहाँ से इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कि दो बार डिफरेंशिएट किया है। एक एग्जांपल लेके बताया है, ऐसा फिजिक्स में सर बताते होंगे, यहाँ पे टी लिया यानी डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन तो एस का होगा लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक तो हो जाएगा क्या टाइम, एक इसके दो एक्सिस हो गए ना, देखो इस पर टाइम ले लो, टाइम वन मिनट दो मिनट टाइम, और इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें बढ़ रहा है बदल रहा है घट रहा है, इसलिए देखो दो चीज़ आ गए एस और यहाँ पर टी, देखो यहाँ पर एस और टी, इसलिए यहाँ लिखा हुआ डी एस बाई डी टी, यानी कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, समझ में आया, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है डी एस बाई डी टी। यहाँ से अगर टी स्क्वायर है तो एक पावर कम हो जाएगा, ये तो फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, थ्री टी तो थ्री वेलोसिटी बन जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे जो रिजल्ट आया है तो यहाँ पे द नंबर तो जीरो हो जाएगा और टू टी का हो जाएगा टू, जैसे यहाँ पे टू ऐसा क्या हो गया था टू हो गया था, उसी तरह से इस तरह से हम लोग इसके बेसिस को समझेंगे। एक आध दो क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है आप इसका याद करने का प्रयास करना, चाहे बायोलॉजी का बच्चा हो चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, मैथ्स के बच्चों को तो करना ही है, तो इसमें से सबको फायदा रहेगा क्योंकि कॉमर्स में भी इतना मैथ्स पढ़ना ही है, बायोलॉजी में भी पढ़ना है, फिजिक्स के लिए मैथ्स वाले को तो पढ़ना ही पड़ता है। तो एक बार फिर से एग्जांपल देख लिया, अगर एस मान लो कि 3t का स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5t स्क्वायर प्लस t प्लस 8 है, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा पूरा डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब इसको बनाना वेलोसिटी, v बनाना है v के लिए क्या होता है ds / dt, अब इसको डिफरेंशिएट करो जो 3 यहां पर तो है ही, अब स्क्वायर इधर आ जाएगा 2 यहां आ जाएगा, इसमें से पावर कम हो जाएगा तो t, इसमें से स्क्वायर, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहां t कर लो ज्यादा आसान किया, 4 कर लो इधर, 4 कर लो तुमको थोड़ा और समझना आसान हो जाएगा, ऐसे कर लो तो 4 3 या 12, 4 तो है ही, 3 यहां लिख दो, एक पावर कम कर दो 3 - 1, तो इसमें डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, इतना बच्चों को तरह नहीं करना है, प्लस 6 तो है ही, अब ये 2 नीचे आ जाएगा, एक पावर कम कर दो तो टी दो दो में से गया तो एक, इसमें तो खत्म गायब हो जाता है, तो प्लस 5 और नंबर हो जाता है 0, तो क्या बन गया डी एस बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी जो बन गया वो गया 4 × 12 टी स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 5, ये क्या बन गया हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बाद फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ए बराबर क्या होगा डी वी बाई डी टी लिखो या डी टू एस अपॉन में डी टी स्क्वायर लिखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 12 पहले है अब 2 नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा सिर्फ टी, दो पावर एक पावर हो जाएगा, 12 टी क्या होगा सिर्फ 12, तो हमारा काम खत्म, और ये नंबर का 5 का क्या बन जाएगा 0, कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0, क्या बच गया 24 टी प्लस 12, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया।
दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ से एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो यही काम है फिजिक्स में कि हम लोग मैथ्स का यूज करते हैं। तो मैंने अगर थोड़े से सपोर्ट के लिए, आप लोगों को सपोर्ट के लिए, बायोलॉजी वाले बच्चों को सपोर्ट के लिए यार फॉर्मूला लिखा दिया थोड़ा, मैं भी ट्राई करता हूँ, थोड़े फिजिक्स वाले सर ट्राई करेंगे, दोनों मिलकर ट्राई करेंगे तो आपका भला होगा और आप समझ पाओगे। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। सपोज कैसा क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पर कि साइन एक्स डी डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसमें क्या करना है, सीधी सी बात है, इसको अलग अलग लिख सकते हो या फिर तुम यानी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन किसमें बदलता है, कॉस में, तो इसको क्या लिखा कॉस एक्स, कॉस किसमें बदलता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो हो गया आंसर। ऐसे ही करना होता है। डी डी एक्स अगला सवाल लो, ई पावर में 2x का, तो पहले e पावर x करोगे तो सेम टू सेम कॉपी कर देना, कॉपी कर देना। अब इसमें क्या e पावर 2x लग गया, तो 2x को करोगे तो क्या आएगा, 2x का 2, देखो 2x का क्या आता है 2, इसमें थोड़ा सा चेन रूल लग गया, तो 2 e पावर में 2x। अगला एग्जांपल लो डी डी एक्स, एक्स प्लस 1 बाय x दे लो, तो क्या होगा, x का क्या होता है, x का होता है मैंने नहीं लिखा है तो 1 होता है, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, याद रखना डी डी एक्स x का डिफरेंशियल 1, 1 बाय x का मैंने लिखाया हुआ है, माइनस वन बाय स्क्वायर, हो गया। डी डी एक्स पूछेगा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, क्या डिफरेंशियल करो, टेन एक्स क्या लिखना है, सेकंड स्क्वायर है, तो मस्त लिख दो सेकंड स्क्वायर है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, कोई बात नहीं है। अब कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स सी है तो माइनस आएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इस तरह से आंसर आ जाता है। बहुत आसान है, फॉर्मूला याद रखोगे, फॉर्मूला याद कैसे होगा, एक एक को तीन तीन बार लिखो, एक एक फॉर्मूला को तीन तीन बार लिखो तो याद हो जाएगा, ट्राई करोगे तो आपको समझ में बातें आएगी। एक साथ फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक दो लिमिट का भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। लिमिट के फॉर्मूला ऐसे होते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, ये क्या होगा एन ए पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल दो बताता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंस टू मान लो 2 है, एक्स पावर 5 है और 32 लिख दिया x माइनस 2, तो इसको क्या करना है तुमको 2 पावर 5 लिख देना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 अपन x माइनस 2। अब इसको 5 5 मिटा दो अगर तो मैच हो रहा है, इसका ये फॉर्मूला लग जाएगा, लगा दो यहाँ पे क्या n, n बोले तो 5, a a बोले तो 2, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा 5 डॉट 2 पावर 4 यानी कि 5 इंटू 16 बराबर 80, ये हमारा आंसर आ गया। लिमिट भी वाइज भी कहीं आता है तो सर अप्लाई कर सकते हो, ये लिमिट भी कभी आएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स अपन में एक्स, आपको क्या करना है ये और ये मैच हो तो इसका आंसर 1 लिख देना है। सपोज करो लिमिट 10 में भी सेम होता है, 10 मान लो कि 2x लिखा हुआ है और नीचे भी 2x लिखा हुआ है, ये और ये मैच हो तो आंसर 1 लिख देना, पता चल गया, ये दोनों मैच हो जाए आंसर क्या लिख देना 1, इतना कुछ नहीं आएगा बट आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने लिमिट्स का। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल कर देता हूँ। प्रोडक्ट रूल देख लो, यहाँ पे मैंने क्या था प्रोडक्ट रूल, ये क्वेश्चन रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल एक बार देख लो कि करते कैसे है, वीडियो है तो अच्छा है, आप वापस रिपीट करके देखोगे तो पता चलता चला जाएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या बच्चे, देखो यहाँ पर मान लो कि दो दोस्त है, राम है और श्याम है, अब उसको स्कूल जाना है, स्कूल जाना है तो पहले क्या करता है स्कूटी लेकर अभी क्या कर रहा है, राम बैठा हुआ है, श्याम स्कूटी चला रहा है, अब श्याम बैठा हुआ राम स्कूटी चला रहा है, तो इस तरह से पहुंच गया स्कूल, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, मतलब क्या डिफरेंशिएशन, एक एग्जांपल ले लें, डी डी एक्स मान लो कि साइन एक्स है डॉट कॉस एक्स, ये तुम्हारा क्या होगा यू, ये तुम्हारा क्या होगा वी, इसका मतलब क्या हो रहा है यू को रखो भैया, वी डैश मतलब डी डी एक्स, डिफरेंशिएशन करना है किसको, वी को लो भैया कर लो कॉस एक्स, प्लस वी को रखो, वी यानी कि कॉस एक्स को रखो, डिफरेंशिएशन करो यू का, तो डी डी एक्स साइन एक्स, ये एक्स लिख रहा हूँ एन का ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, देखो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, मैंने सिखाया था तो माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स कर दो मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और सजा के लिए तो सुंदर बना करके तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
अभी फॉर्मूला होता है कॉस 2x का, जो बच्चे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए बात बताता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाना, मेड मैथ्स पीजी बाय डीआर के सर लिखना, तो शुरू के तीन चार वीडियो, तीन वीडियो देख लो, शुरू के तीन वीडियो देख लो आप, बायोलॉजी वाले बच्चे भी शुरू के तीन वीडियो देख लेना, तो आपको मैथ्स का भी आपको बराबर ज्ञान आ जाएगा, साइन कॉस टैन कैसे बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का बराबर जानकारी आ जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से उधर पढ़ाया मैंने, बायोलॉजी वाले बच्चे भी उसको आप देख सकते हो। अब यूट्यूब पे जाना, मेड मैथ्स पीजी बाय डीआर के सर, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऐसे देख लेना, तो आपको समझ में बातें आएगी। ये हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, एक और एग्जांपल ले लो प्रोडक्ट रूल पे, कुछ काम नहीं, बहुत आसान काम है, इस तरह का यूज होगा तो। सपोज करो कि डी डी एक्स ई पावर एक्स और साइन एक्स है, तो क्या करना है, ई पावर एक्स को रखना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, लो दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस दूसरे को रखना है और पहले को डिफरेंशिएट कर देना है, अभी पावर एक्स, या देखो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स, तो मैंने जान के मिटाया नहीं कॉस एक्स, साइन एक्स को भी कर दो क्योंकि इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, और क्या करना है इधर कॉपी कर देना है, ये को अलग ले लो कॉमन, ई पावर एक्स तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया आंसर आ गया। इस तरह से बेसिक काम होते हैं, फॉर्मूला रहेगा आपको, आप सॉल्व कर पाओगे। ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं हम लोग कोसेंट रूल के ऊपर, कोसेंट रूल एक बार समझ लो तो आपको बेसिक जानकारी रहेगी, बाकी फिजिक्स वाले सर भी करा ही रहे हैं, हम दोनों मिल करके आपको थोड़ा, अब हमारा क्या एक ही मकसद है कि आप बच्चों का भला हो किसी प्रकार। अब हमारा क्या क्यू यू ओ टी आई ई एन टी कोसेंट रूल, इसमें क्या करते थे, यू बाय वी होता था, नीचे वाला का होल स्क्वायर कर दो, नीचे वाला कॉपी कर दो, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला कॉपी करो, नीचे वाला डिफरेंशिएशन। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, डी डी एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो ये ऊपर वाला हो गया यू, ये हो गया वी, ये हो गया हमारा यू, ये हमारा हो गया वी। रूल रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है कि नीचे वाला का स्क्वायर करो, नीचे वाला का स्क्वायर करो, नीचे वाला यहाँ पे कॉपी करो, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करो, माइनस का साइन दो, ऊपर वाला कॉपी करो और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला क्या कॉस एक्स, कॉस एक्स लिख रहा हूँ यहाँ, तो क्या बन गया कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो डॉट कॉस एक्स माइनस, ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस साइन एक्स, वो वाला माइनस इसको क्या करेगा प्लस कर देगा, तो साइन एक्स, मजे की बात क्या है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। देखो बच्चे ये क्या हो गया, ढंग से लिखोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब टेंथ क्लास में पढ़ा था आपने, टेंथ क्लास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, तो टेन का आंसर सेक स्क्वायर एक्स, देखो टेन का आंसर सेक स्क्वायर एक्स, रेडी। तो इस तरह से आप फाइंड आउट फॉर्मूला खुद डेवलप कर सकते हो, किसी को फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला खुद भी डेवलप कर सकता है। एक और एग्जांपल लेके बता दूं मैं, कराने का क्या कराता रहोगे तो छह महीना कराता रह जाऊंगा, बट आपको बेसिस काम आ जाए ना तभी आपको सपोर्ट मिले फिजिक्स में, खास करके बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बनाया है मैंने वीडियो, तो आपको थोड़ा सा ये फायदा रहेगा। एक और कर ले एकदम, डी डी एक्स सपोज करो कि मैं यहाँ पे कॉस एक्स लेता हूँ, नीचे साइन एक्स लेता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो रूल के मुताबिक क्या है, नीचे वाला का स्क्वायर करिए, नीचे वाला यहाँ पर कॉपी करिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, माइनस का साइन लगाइए, ऊपर वाला कॉपी करिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करिए, इधर यही लिखा हुआ है। अब यहाँ से साइन का साइन एक्स, कॉस का सी स्पेलिंग है तो माइनस, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिख दो माइनस, यहाँ लगेगा अच्छा लगेगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, बढ़िया लिखोगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से, तो ऊपर माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब वन, तो माइनस वन अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स मालूम है, ये कॉसेक का उल्टा होता है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो इसी तरह से न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया था बच्चों, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ कोसेंट रूल का, इसके बाद ये क्लास खत्म करेंगे।
आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिक्स करा दिया बच्चों में ना, फिर भी कोई डाउट है तो बताना। ये बायोलॉजी वाले बच्चे आसानी से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो उनको होगा फायदा। एक एग्जांपल लेता हूँ, डी डी एक्स सपोज करो कि 2x+3 और 3x-2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो गया ऊपर वाला u, नीचे वाला v, u के मुताबिक नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला यहाँ पे कॉपी कॉपी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन, ऊपर वाला कॉपी, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3x-2। अब यहाँ पे देख लो बच्चे, इसको कुछ भी नहीं किया, कॉपी कॉपी कर दो। देखो 2x+2, 3x+3, 4x+4, नंबर का 0। यहाँ पे क्या लिखो, 2x+2 लिखोगे क्योंकि नंबर तो 0, ये नंबर 0 हो जाएगा, माइनस ये तो कॉपी, और फिर 3x+3 नंबर का तो 0, तो छोड़ दो उसको। यहाँ जाएगा 3x-2 का होल स्क्वायर। अब ओपन कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 6x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6x क्योंकि बाहर माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -9 अपन में 3x-2 का होल स्क्वायर। यस, ये कट गया बच्चे, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, -13 अपन में 3x-2 का होल स्क्वायर। अगर कोई शॉर्टकट में चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर सही है गलत है, शॉर्टकट कैसे कर सकते, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर लिख दो पहले 2, 3 और 3-2, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -4, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इसके बीच माइनस का साइन लगाना, -9, तो ऊपर कितना आएगा -13 है, -13 नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर। रेडी, आंसर आ गया। इस तरह से आप शॉर्टकट से भी आंसर ला सकते हो, जो भी ये रहे मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा -4, ये मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आए प्लस 9 आया तो -9 लिखना है, -9 है तो +9 लिखना, तो ऊपर क्या आ गया -13 और नीचे क्या इसका होल स्क्वायर लिख देना, तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या शॉर्टकट, तो आपको शॉर्टकट लॉन्ग कट सब सिखा दिया और आप ट्राई करना इसको तो आपको काम आएगा। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा ना थोड़ा जरूर फायदा हुआ होगा। तो चलो इसी के साथ हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में इंटीग्रेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा, सी यू, टाटा, थैंक यू।